उत्पादन किसानों ने किया। साथियों, इसका पूरा पूरा लाभ व्यापारी उठा रहे हैं। हमारे आंध्र प्रदेश से व्यापारी लोग आकर पूरी होटलों में कब्जा करके रखा है और किसान का मक्का 800 रुपए क्विंटल में खरीदा जा रहा है जबकि लागत 1200 रुपए है। बताइए, ऐसी स्थिति में किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है। ऐसी सरकार के खिलाफ हमें जहाँ पर प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि ऐसी नीतियाँ सरकार ने बनाए कि किसान आत्महत्या करे। अगर किसान इकट्ठा होते हैं उन पर गोली चलाई जाती है और किसी संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं उन पर कभी गोली नहीं चलती, पर किसान अगर इकट्ठा हुआ तो उस पर गोली चलन किया जाता है। 98 मुल्ताई में गोली चलन किया गया, 24 किसान मारे गए, 150 किसान घायल हुए, 250 किसानों पर फर्जी मुकदमा चला। अभी मंदसौर में गोली चलन हुआ, वहाँ पर हमारे किसान मारे गए और किसानों पर ही मुकदमा चला और किसानों को सजा नहीं दी गई, आजीवन कारावास की सजा दी गई। सोचिए, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो हमारी सरकारें कर रही हैं। मैं चाहती हूँ इस संसद से ऐसा कानून पारित हो कि गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो और एक बार से दो बार कोई पुलिस वाला गोली चलाए उसे फांसी की सजा पर दी जाए या कानून इस देश में बनना साथियों बहुत आवश्यक है। जो साथी जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं उन पत्नियों को वो सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें पेंशन मिलना चाहिए। जिस तरह सैनिक की पत्नी को सम्मान मिलता है उनको पेंशन मिलती है। जब हम जय किसान और जय जवान का नारा लगाते हैं तो हमारा ये फर्ज है कि हम उन किसान की पत्नियों को पेंशन की राशि निश्चित करें, सम्मान की जिंदगी दें, उनके नाम पर जमीन करें तो साथियों कोई मतलब होगा। पीड़ा और परेशानी हमने बहुत सारी देखी है, ये सब बातों के लिए समय का अभाव है। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय नारी, धन्यवाद।